खबर रीवा जिले से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया गया। हालांकि हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मेला फीका दिखा। इसके पीछे महामृत्युंजय मंदिर के पुरोहित ने बताया कि इस वर्ष मकर रात्रि में प्रवेश कर रहा है, इस कारण से फीका है। आइए आपको दिखाते हैं किला स्थित विश्व प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर परिसर में मेले का आयोजन और सुनाते हैं रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह के साथ मंदिर के पुजारी और सुरक्षा व्यवस्था में लगी नगर पुलिस अधीक्षक को उन्होंने क्या कहा है। फोटो ना खींचा भाई। युवराज सिंह जी एवं महाराजा मातम सिंह जो देव चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी यहाँ मकर संक्रांति त्योहार कितने वर्षों से आप मनाया जा रहा है, कितनी भीड़ आती है? अरे बहुत वर्षों से यहाँ महामृत्युंजय का ही मेला लग रहा है और मकर संक्रांति का मेला लगता है, यहाँ भक्तों की भीड़ होती है। लेकिन इस साल जो पर्व है तो रात्रि में आ रहा है, मकर रात्रि में से हो रहा है, अभी धन की संक्रांति है, इससे मेला कमजोर है। मकर संक्रांति का त्यौहार का महत्व क्या है इससे? अरे ये से संक्रांति है, इसका बहुत महत्व है। उत्तरायण सूर्य हो जाएंगे, अभी दक्षिणायन थे, अब उत्तरायण सूर्य जाएंगे। उत्तरायण सूर्य में बहुत काम होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान और सब माने विवाह आदि वगैरह धार्मिक काम इसी में होते हैं उत्तरायण में। भक्तों का तांता लगा हुआ है भारी। भक्तों का तांता अब आज कम है, कल संक्रांति आएगी रात में, आज तो कल ज़्यादा रह गए, आज तो दूर दूर से लोग ये नहीं समझ पाए हैं वो आए हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को और सारे लोगों को मकर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। जैसे कि आपको जानकारी है कि मकर संक्रांति का जो यहाँ त्यौहार मनाया जाता है महामृत्युंजय में और प्रांगण में, ये लगभग अब 20 साल से ये मेला यहाँ आ गया है और इसको विधिवत रूप से हम लोग एक अच्छा स्वरूप देने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ नया उसमें हम लाने की कोशिश करते हैं। और नयापन लाने की जो कोशिश इस बार की है वो है, हमने हमारी एक संस्था है इंडियन क्विजीन के माध्यम से हमने कोशिश करी है कि जो हमने बात माननीय सिंधिया जी से करी है कि हम अपने रीजनल डिशेस को, हमारे लोकल डिशेस को बाहर भेजेंगे और एयरलाइन में वो सर्व होंगी या एयरपोर्ट्स में सर्व होंगी, आज उसका शुभारंभ भी यहाँ से हो रहा है। जी हाँ, आज त्यौहार को देखते हुए हमने यहाँ पर व्यवस्था लगाई है और चूंकि आज यहाँ पर मेला भी लगाया गया है तो उसके संबंध में भी हमने व्यवस्थाएं देखी है, चेक किया है। साथ ही हमारा पुलिस फोर्स पूरा लगा हुआ है, कैमरे वगैरह हमने चेक किए हैं तो पूरा परिसर कैमरों से भी कवर है और इसमें पुलिस के अलावा राजस्व विभाग से और अन्य विभागों से भी यहाँ पर बल लगाया गया है।